अब इस मूवमेंट से मैग्नस इफेक्ट में देखा कि जब बॉडी स्पिन कर रही होती है इस तरीके से तो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बन जाती हैं एयर की इस तरीके से। ओके, अब मान लीजिए इस स्पिनिंग बॉल को आप मेरी तरफ ले आए, मैंने ऐसे मूव करने को मना किया था पर मेरी तरफ ले आए, तो भी ये जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनी है ये चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर ये इस तरफ मूव करा रहे हो तो डेफिनेटली चेंज होगा, मैग्नस इफेक्ट चालू हो जाएगा लगना, यही मैग्नस इफेक्ट था और हमारी स्ट्रीम्स ऐसी थी। अगर आप इधर या उधर फेंकोगे तो मैग्नस इफेक्ट लग जाएगा, पर अगर ये बॉल पेपर के बाहर आए तो ये स्ट्रीमलाइंस ऐसी मेंटेन रहेंगी, मैग्नस इफेक्ट एब्सेंट रहेगा। मैग्नस इफेक्ट तभी लगेगा जब ये लेटरली मूव कर रही हो, ठीक है? मेरी तरफ मूव कर रही तो नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी तरफ जो मूव कर रही है वेलोसिटी, सपोज इस तरफ वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायग्राम है, यस और नो? तो लेयर्स की स्पीड कितनी है, मान लीजिए हमने V1 मानी थी, है ना, और ये जो स्पीड है पीएच के परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो उसका इधर कॉम्पोनेंट कितना होता है, सपोज ये होगी वेक्टर है ए और ये 90 डिग्री है, तो इस तरफ कॉम्पोनेंट कितना होगा, ए cos 90, cos 90 जीरो होता है। सिमिलरली इस वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट इधर की तरफ जीरो है क्योंकि एंगल कितना है 90, इधर की तरफ भी जीरो है क्योंकि एंगल कितना बनेगा 90। तो अगर बॉल मेरी तरफ आ रही है पेपर पे दिखाने के लिए या पेपर से बाहर निकल रही है तो उसकी वेलोसिटी का V1 वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, पहले बस समझ लीजिए। मैग्नस इफेक्ट तभी होगा जब बॉडी इस डायरेक्शन में इस लाइन के अलोंग मूव करेगी, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी। ये क्यों बता रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एप्लीकेशन के सामने आने वाली। क्या? वाई बुलेट्स आर मेड सिलेंड्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इस पे स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट। वाई बुलेट्स आर मेड सिलेंड्रिकल, क्या होता है कि बुलेट्स सिलेंड्रिकल होती हैं जब गन बैरल से निकलती हैं तो एक स्पिन मिलता है उन्हें, ओके? एक स्पिन सा मिलता है इस तरीके से और मूव करती हैं ऐसे। जब स्पिन इस तरीके से मिलता है तो स्ट्रीम लाइन्स जो है वो इस तरीके का शेप ले लेती है इनके चारों तरफ, और उनको हमने अभी को अभी बताया कि इन स्ट्रीम लाइन्स को इस वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस वेलोसिटी का इधर या इधर कोई कंपोनेंट है ही नहीं जो इनकी वेलोसिटी को इधर और इधर डिस्टर्ब करे। सो ड्यू टू द सिलेंड्रिकल डिजाइन, सिलेंड्रिकल शेप ऑफ बुलेट्स, दी मैग्नस इफेक्ट इफेक्ट इज एब्सेंट। इसीलिए बुलेट स्फेरिकल नहीं बनाई जाती, सिलेंड्रिकल बनाई जाती हैं ताकि उन पर मैग्नस इफेक्ट लगे ही नहीं। इतना लिख देंगे काफ़ी है, इतना मेंशन मत करिए कि वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं लगेगा, ये आपकी जानकारी के लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन आता क्या लिखोगे, सिलेंड्रिकल शेप होगा तो मैग्नस इफेक्ट एब्सेंट रहेगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि बुलेट को सिलेंड्रिकल क्यों बनाते हैं।